BCAA में होता है ल्यूसिन वेलिन एंड आइसोल्यूसिन, बट कभी सोचा है कि सबसे ज़्यादा ल्यूसिन ही क्यों डला होता है और ल्यूसिन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिलती है? चलिए समझते हैं क्यों। ल्यूसिन को BCAA में ज़्यादा क्वांटिटी में डाला जाता है क्योंकि ये अमीनो एसिड मसल प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करने में खास रोल निभाता है। ल्यूसिन एक सिग्नली पाथवे को एक्टिवेट करता है जिसे एमटोर पाथवे कहते हैं। जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग करते हैं तो मसल में माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं। ल्यूसिन एमटोर पाथवे को एक्टिवेट करके मसल सेल्स को ये सिग्नल देता है कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करें और डैमेज मसल्स को रिपेयर करें। ल्यूसिन की ज़्यादा मात्रा BCAA सप्लीमेंट में होने से यह अमीनो एसिड तुरंत अवेलेबल हो जाता है और मसल प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। इसलिए BCAA सप्लीमेंट में ल्यूसिन का ज़्यादा होना बेनिफिशियल है क्योंकि ये मसल रिकवरी एंड ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे याद रखें कि BCAA सप्लीमेंट में ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन तीनों अमीनो एसिड शामिल होते हैं। ल्यूसिन की ज़्यादा क्वांटिटी होने से इसका मसल बिल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आइसोल्यूसिन एंड वेलिन की अहमियत कम है। ये तीनों अमीनो एसिड साथ मिलकर मसल रिकवरी एंड ग्रोथ को सही तरीके से बैलेंस करते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम को एंड शेयर कीजिए उन्हें जो BCAA लेते हैं या लेने की सोच रहे हैं। ओरिजिनल सप्लीमेंट्स एंड बेस्ट प्राइजेस के लिए विजिट कीजिए fitboxnutrition.in।